गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो हमने थोड़ा सा रिमेनिंग रखा तो वही हम कंप्यूटर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसमें हमने पहले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें इनपुट था, आउटपुट था, फिर प्रोसेसिंग था। तो ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम इनपुट हो चुका है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हम आउटपुट करेंगे। आउटपुट अ डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू सी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। इसका मतलब है जो भी हम एक डिवाइस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो कंप्यूटर के थ्रू जनरेट हुआ है उसे हम आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर भी आता है। मॉनिटर वो उसका डिवाइस है। द डिवाइस दैट लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन इज कॉल्ड अ कंप्यूटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर डिस्प्लेज द इनपुट एंड द आउटपुट। द मॉनिटर हैज बटन टू स्विच इट ऑन और ऑफ एंड ऑल्सो बटन टू चेंज द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सेट्रा। क्या दिया, वेट इतना पहले पढ़ लेती हूँ। इसका मतलब है कि जो मॉनिटर है वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है और उसको हम लोग मॉनिटर, उसको इसलिए हम उसे मॉनिटर बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर डिस्प्ले द इनपुट। जो स्क्रीन है जो हम इनपुट डालेंगे, इनपुट हम किससे डालेंगे, कीबोर्ड नहीं तो माउस से डालेंगे। जो हम इनपुट डाले हैं वो आउटपुट बन के कीबोर्ड में आता है। तो मॉनिटर को एक स्विच ऑन स्विच ऑफ भी बटन है जैसे टीवी को होता है, एंड प्लस मॉनिटर में हम उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब चीज होता है वहां पे। मींस कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, थोड़ा कलरिश, मतलब थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। अ मॉनिटर कम्स इन डिफरेंट साइज लाइक 15, 17, 19 एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम एंड कलर। तो मॉनिटर जो है वो डिफरेंट साइज में आते हैं, सी वहां पे साइज लिखा है, और डिफरेंट टाइप्स में भी आता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम एंड कलर। द मॉनिटर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टूडे आर CRT कैथोड रे ट्यूब एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। अभी हमारे जो मार्केट है, जो हमारा ये जनरेशन है, इस जनरेशन में आपको CRT मॉनिटर मिलेगा, जैसे फॉर उसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ लिया, अभी हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। द आउटपुट सीन ऑन मॉनिटर कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। इट इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद अ केबल। प्रिंटर कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। जब अगर हमें कुछ प्रिंट आउट निकालना है फ्रॉम द मॉनिटर, मॉनिटर में जो भी है उसे हम बाहर निकालना है, तो वी कैन टेक आउट फ्रॉम दैट मॉनिटर दैट पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट और अ कलर, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, CPU से कनेक्टेड होता है। नाउ बिलो दैट यू कैन सी देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटर इट हैज बीन शोन, और वहां पे इसके नीचे लिखा है फिगर 1.7 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अभी इसमें क्या है, पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये 3 टाइप के प्रिंटर्स है। द 3 काइंड ऑफ प्रिंटर आर वाइडली यूज, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इंजेक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर। ये हो गया। अभी नाउ थर्ड इज द स्पीकर, द रिकॉर्डेड साउंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी प्लेड बैक थ्रू द स्पीकर। द स्पीकर भी एक आउटपुट ही है जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है, जहाँ पे ये सॉन्ग सब सेव हुआ रहता है। अगर हमें कुछ सॉन्ग प्ले करना है तो हम प्ले करेंगे तो वो आउटपुट देगा स्पीकर। तो स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। द डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड अ मेमोरी। द डिवाइस यूज टू, हाँ अभी जो मतलब एक डिवाइस, एक मशीन जहाँ पे हम लोग हमारा डेटा स्टोर करते हैं थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, उसे हम मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड एज फॉलो। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो क्लासिफाइड मतलब स्प्लिट ऑन हो चुका है, तो है एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी और स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी और सेकेंडरी और स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। प्राइमरी में क्या आता है, रैम और रोम,
और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी डिस्क, इट इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी माना जाता है। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी टेम्पररली होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। एवरीथिंग इज इन दिस मेमोरी गेट इरेज्ड। तो इसमें क्या बोला है, रैम के बारे में क्या बोला है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी टेम्पररी होल्ड्स द डेटा। टेम्पररी मतलब ये कुछ टाइम के लिए होल्ड करते है डेटा को। जब कंप्यूटर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो जितना भी हमने मतलब जो भी डेटा रहता है वो इरेज मतलब पूरा खत्म हो जाता है जो भी हमने डेटा रखा है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी परमानेंटली स्टोर्स इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच शुड नॉट गेट इरेज और चेंज। ये क्या करता है, इसमें जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो परमानेंटली रहता है जब हम उसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे तो। और ये मतलब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो चेंज ना हो सके और डिलीट ना हो सके। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिमेन इन द मेमोरी। अगर हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर भी दिया तो जो हमने इंस्ट्रक्शन पास किया है वो वैसे का वैसे ही रहता है। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर यूजर प्रोग्राम एज वेल एज रॉ एंड प्रोसेस डेटा। बोथ द प्रोग्राम एंड द डेटा कैन देन बी रिपीटेडली यूज वेन एवर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, मतलब सेकेंडरी के बारे में क्या बताया इसने कि ये परमानेंटली यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, जैसे कि यूजर प्रोग्राम हो एज वेल एज रॉ और एंड प्रोसेस डेटा। जो हम लोग डेटा जो यूजर प्रोग्राम होते हैं, फिर जो हमारे पास डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर करके रखता है। बोथ द प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन देन बी रिपीटेड। हाँ, तो जो भी हम डेटा इसमें रख रहे हैं वो हम बाद में उसे रिपीट कर सकते हैं जब उसकी जरूरत हो, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, ठीक है। जब सीडी की बात करते हैं, सीडी प्लेयर, वो कॉम्पैक्ट डिस्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अभी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ब्रॉट मेनी चेंजेस इन इट्स स्पीड, वर्किंग एंड साइज। आपको भी पता है कंप्यूटर के थ्रू कितने कितने जल्दी काम होता है, स्पीड बढ़ जाता है काम का, मीन्स वर्किंग हमारा बहुत मीन्स इजीएस्ट हो जाता है। यस, अकॉर्डिंगली कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। जो कंप्यूटर है वो क्लासिफाई हुआ है अलग अलग टाइप में। पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, प्लैटफॉर्म कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। द पर्सनल एंड लैपटॉप कंप्यूटर हैव बीन वेरी कॉमन। जो पर्सनल और लैपटॉप है, पर्सनल हर किसी के घर पे होता ही, और लैपटॉप भी हर कोई कैरी करता है, राइट। तो ये कॉमन ही है। अभी हम पर्सनल कंप्यूटर देखेंगे, दैट इज पीसी। इट इज डिजाइन फॉर जनरल यूज, ये सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए ही रहता है। कैन बी यूज बाय अ सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर। पीसी आर कॉमनली यूज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई स्पीड। क्यों ये पीसी सब जगह पे यूज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि इसकी साइज पहली बात छोटी रहती है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। द कंप्यूटर विच इज यूज इन स्कूल इज अ पर्सनल कंप्यूटर। जो स्कूल में आपने देखा है, जो ऑफिस में आपने देखा है, वो पर्सनल कंप्यूटर है। ओके, बी लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर कैन सिमिलरली टू पर्सनल कंप्यूटर बट आर मच लाइटर एंड स्मॉलर। लैपटॉप क्या है, वो भी एक पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन वो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा हल्का होता है और बहुत छोटा होता है, तो हम उसको इजीली आसपास कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं हम उसे ले सकते हैं। लैपटॉप्स कैन बी कैरीड एनीवेयर, जैसे मैंने कहा लैपटॉप्स को हम किधर भी कैरी कर सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। पहला फीचर है स्पीड। अ कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एट अ हाई स्पीड। कंप्यूटर हाई स्पीड पे कैलकुलेट हो सकता है। अगर आपको नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल 35 into 365, तो हम ऐसे ऐसे ही गिनते बैठेंगे, हम सॉल्व करते रहेंगे मैथ। बट देन जब हम लोग उस कैलकुलेटर में डालेंगे तब तक हो भी जाएगा उसका, तो मीन्स उसकी स्पीड हाई है। एफिशियंसी, अ कंप्यूटर कैन वर्क टायरलेस एज लॉन्ग एज इट रिसीव द पावर सप्लाई।
एफिशिएंसी मतलब क्या बताएं यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग तक काम कर सकता है बिना थके, जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती जाएगी, उसकी चार्जिंग कॉर्ड होती है, जब तक आप उसको चार्जिंग करो तब तक वो चलती जाएगी जितने देर तक उसकी बैटरी हो। कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम टास्क विद, वेट अ मिनट, सॉरी, चार्जिंग कॉर्ड नहीं, इसका एक वायर होता है, लैपटॉप का चार्जिंग कॉर्ड होता है और जो कंप्यूटर होता है उसका एक कॉर्ड रहता है कि हमें उसे स्विच लगा के ही रखना पड़ेगा, तो पूरे दिन ऑन रहता है जितना आप यूज करोगे, जिससे आप वो स्विच निकालोगे उसका जो मेन स्विच होता है तो वो बंद हो जाएगा। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर है वो वही सेम टास्क रिपीट करते ही जाता है वही सेम स्पीड पे। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट एज लॉन्ग एज इट रिसीव्स एंड करेक्ट डेटा इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बताया कि कंप्यूटर जो है हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, करेक्ट डेटा बनाता है, अगर हमने कहीं भी गलती कर दिया तो उसे करेक्ट कर लेता है वहां पे। स्टोरेज, अ कंप्यूटर हैज अ लार्ज मेमोरी सो इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के पास क्या है, लार्ज मेमोरी है जो ज्यादा अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सके, लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सके, ठीक है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर नाउ वाइडली यूज इन मोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। तो जो कंप्यूटर है वो अभी हमारे पूरे लाइफ में भी यूज हो रहा है, अभी हम जो आपको दिखा भी रहे है, दे आर मीन्स ये सब बन रहा किससे है, जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे, ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही बन रहा है। कंप्यूटर इन एजुकेशन, इन स्कूल, एट होम कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स ईजिली एंड क्विकली। कंप्यूटर के ये स्कूल्स में, घर पे आप कंप्यूटर है आपके पास तो आप इसके थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ईजिली पढ़ पा रहे हो। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो यू जस्ट बेसिकली टाइप इट, तो टाइप करने से आपको इजीली उस चीज का आंसर मिल रहा है, तो इट इज द इजीएस्ट वे। इट कैन बी आल्सो बी यूज्ड फॉर लर्निंग, ये यूज हो रहा है लर्निंग के लिए। टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं कंप्यूटर्स पे, जैसे कि आपका एग्जाम जैसे आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैन बी क्विकली ऑब्टेन थ्रू इंटरनेट, आपको अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट दे दिया हो, जैसे हमने दिया है अभी, तो हमने आपको दिया है तो उसमें आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना भी हो किसी फोर्ट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो आप इंटरनेट यूज करोगे, थ्रू दैट यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ईजीली एंड क्विकली। कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट, यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, सॉन्ग्स, वॉच मूवीज एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का काम आता है, गेम खेलना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना और मूवीज देखना। कंप्यूटर्स इन ऑफिस, अभी कंप्यूटर्स ऑफिस में कैसे यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। विद द यूज ऑफ अ कंप्यूटर ऑल टाइप ऑफ वर्क इन ऑफिस आर नाउ डन मोर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। कंप्यूटर जो ऑफिस में कंप्यूटर से वहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं उसके थ्रू, एक एक्यूरेटली मतलब वो करेक्टली काम किया जाता है, एफिशिएंसी मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग तक काम हुआ जाता है। दे आर यूज टू टाइप लेटर्स, प्रिपेयर रिपोर्ट, मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ऑफिस में कौन से टाइप के काम हुए जाते हैं, लेटर्स बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाए जाते हैं, मेंटेन किया जाता है अलग अलग रिकॉर्ड, फिर एक्सचेंज होते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी है कंप्यूटर्स इन बैंक, अभी कंप्यूटर्स बैंक में कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाता है वो देखते हैं। योर पेरेंट्स कैन सी स्टेटस ऑन देयर बैंक अकाउंट ऑन द कंप्यूटर एट होम, जो पेरेंट अपने पेरेंट है वो अपने बैंक अकाउंट के स्टेटस को भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे। दे कैन ऑल्सो गो टू एन ATM कंप्यूटर एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट एंड विड्रॉ मनी, जो ATM काउंटर होता है वहां पे वो लोग जा सकते हैं, अगर हमें कैश निकालना है कभी भी सुबह हो या रात हो पैसे निकालने के लिए। दिस फैसिलिटी हैव बीन पॉसिबल बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर बाय द बैंक, ये फैसिलिटी कहाँ से आई है, कंप्यूटर से आई है, ठीक है। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, अभी जो कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में होते, इन हॉस्पिटल कंप्यूटर आर यूज टू डायग्नोसिस डिजीजेस
analyze blood, scan internal organ, check for heart diseases, check eyesight. कंप्यूटर्स का आप पे यूज हो रहा है. देखो डायग्नोसिस डिजीजेस में एनालाइज करेंगे ब्लड को, स्कैन करेंगे इंटरनल ऑर्गेन मतलब हमारे बॉडी के जो ऑर्गेन है उसको स्कैन करने के लिए, चेक फॉर हार्ट डिजीजेस अगर दिल की कोई बीमारी है वो, और चेक आई साइज मतलब आई को चेक करेंगे. ओके कंप्यूटर्स इन वेदर फॉरकास्टिंग, अभी जो वातावरण वेदर फॉरकास्टिंग मतलब क्लाइमेटिक की बात हो रही है. Computers are used to record and forecast the day and night temperature as well as rainfall. Computer क्या करता है, record करता है सुबह forecast जो weather है सुबह रात में और उसका temperature और plus rainfall कितनी हो रही है क्या है सब record करता है. Computers in research, research मतलब laboratory वो सब scientific जगह पे जहाँ पे सब बनते हैं जो inventions होते हैं वहाँ पे. Computers are used for scientific research. They are also used to design new machines, appliances. तो computers scientific research में भी use होता है. And plus ये काम क्यों use हुआ है, क्योंकि एक नया machine या फिर appliances बनाने के लिए, equipment बनाने के लिए. Man and computer. Computer being a machine does not have the human quality. Computer एक machine होके उसके पास एक human quality नहीं होती. Limitation of computer are a computer lack intelligence and work only on instruction. Computer की तरह मतलब कम पड़ता है एक intelligence पे, और जो work जो हम इंस्ट्रक्शन पे बोलने पे ही होता है. इंटेलिजेंसी जब भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया वो खुद से नहीं देगा, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा तब जाके वो करेगा भी और ढूंढ के भी देगा. अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग और इमोशन एंड हैंस कैन नॉट बी क्रिएटिव लाइक अ ह्यूमन. अ कंप्यूटर इज अ नो फीलिंग, उसको फीलिंग ही नहीं है, ना ही इमोशन है, ना ही वो रोता है, ना हंसता है, और ना ही वो हमारी तरह क्रिएटिव है जैसे हम कुछ अलग अलग चीज बनाते रहते जैसे, लेकिन वो नहीं बनाता. ठीक है, बाय.